आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी है। ये हम आपको बता रहे हैं व्रत वाली आलू। हमने सब आलू को काट लिया है और हमारा ये तेल जो है ना गरम होने लगा है, तेल जो है हमारा ये गरम होने लगा है और ये हमारा तेल लगभग गरम हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी ये आलू हम इसमें डाल देंगे। ये हम आपको कच्ची आलू से व्रत वाली आलू की विधि बता रहे हैं। आप ये विधि देख रहे हैं व्रत वाली आलू की। ये देखिए हमारी लगभग लगभग पकने वाली है। हमने सबसे पहले इनको धो लिया है, धो के इनकी डंडी हटा ली और डंडी हटाने के बाद अब हम इनको कट करके बैक साइड से थोड़ा सा कट कर रहे हैं, जिसे छिटकते नहीं है, चारों तरफ भागते नहीं हैं। ये देखिए ऐसे करके हम सब मिर्चों को कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको मिर्चों को हम डाल देंगे तेल में। तेल में हमें सारे मिर्चों को डाल दिए। अब इनको थोड़ी देर हम इनको पकाएंगे आलू के साथ। आलू इनको मिर्च तब डालिए जब आपको ऐसा लग रहा हो हमारी आलू पकने वाली हैं, उसी समय हम उससे थोड़ा सा पहले हमको मिर्च डाल देना है, जिससे आलू और मिर्च हमारे लगभग बराबर पक जाएं। अभी देखिए हमारे जो मिर्च है अभी हमारे ये थोड़े पके नहीं हैं, तो मिर्चों को अभी अभी साइड में पकने देंगे। आलू हमारी पक चुकी है तो इनको हम आलू आलूओं को निकालना शुरू कर देते हैं। ये देखिए आलू हमारी अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी टाइप की हो रही है। तब तक मिर्च हमारे साइड में रहेंगे, वो भी और थोड़ा सा पक जाएंगे। आप मिर्च खाना पसंद करते हो व्रत के आलू में तो आप डाल लीजिए, और अगर नहीं पसंद करते हैं तो आप मत डालिए, ऐसे ही खा लीजिए, ऐसे भी टेस्टी लगती हैं। ये देखिए ऐसे करके हम सब आलुओं को निकाल लेंगे। अब हमारे मिर्च भी पक गए हैं तो अब इनको आलू के साथ ही सभी निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी आलू बनके तैयार हो गई। ये हमारी व्रत वाली आलू है। आप अगर इसमें मिर्च पसंद करते हैं तो आप ये मिर्च भी ऐसे ऐड कर लें आप। ओके, थैंक यू।